हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सब बच्चे मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज टाइम को जो यूज करता है उसी को सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए आज की क्लास में शुरू करेंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज को नोट डाउन जरूर करें, बिकॉज एक एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले हर अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रीडा इज सिचुएटेड एट। क्रीडा बच्चों जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका लोकेशन पूछा जा रहा है हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर या नन ऑफ दी अबव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रीडा जो है, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज एट हैदराबाद, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कहां पर है बच्चों? तो हैदराबाद। मैंने लास्ट के कुछ एमसीक्यू सेशन में डिस्कस भी किया था कि जोधपुर में भी एक इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, विच इज कजरी। इसको शॉर्ट में आप कजरी पढ़ सकते हैं। और फुल फॉर्म पर अगर जाए देन सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ए फॉर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के नाम सीखने को मिले। वन इज क्रीडा विच इज एट हैदराबाद एंड द अदर इज कजरी जो कि है जोधपुर में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है सीखने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खास करके वो एग्जाम्स जिसमें फॉरेस्ट्री भी पूछा जाता है, उन सारे एग्जाम्स के लिए दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में है जाइलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जाइलोलॉजी किस चीज के स्टडी को कहा जाता है? वुड, टी, फ्रूट्स या नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों ध्यान रखिएगा दैट जाइलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वुड। लकड़ियों के स्टडी को वी कॉल इट एज जाइलोलॉजी। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जाइलोस क्या चीज होती है और इस जाइलोस को और किस नाम से जाना जाता है, बिकॉज वहां पर भी जाइलो वर्ड है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो जाइलोस में भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा लेटर्स का, जो कि है जाइलो, और सेम जाइलो यहां पर भी है बच्चों। तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि भाई जाइलो का मतलब क्या होता है और जाइलोस का मतलब क्या होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए आ जाते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है टी विल बी साइलेंट और हम पढ़ेंगे साइलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। साइलोलॉजी किस चीज के स्टडी को कहते हैं? जाइलोलॉजी तो हमने जस्ट पढ़ा वुड की स्टडी को बोला जाता है। साइलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टी, वुड, फ्रूट्स या नन ऑफ दी अबव। तो बड़े ही आसान से ऑप्शंस मैंने रखे ताकि आप में से हर बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। खैर वुड तो होने जरा, बिकॉज वुड के स्टडी को अभी हमने जस्ट देखा, इट इज जाइलोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर विल बी टी। सो साइलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टी। और कुछ दिन पहले के ही एमसीक्यू सेशन में मैंने चाय के ओरिजिन को भी डिस्कस किया था, अगर आप सभी बच्चों को याद है देन इट इज चाइना। चाय का ओरिजिन क्या है बच्चों? सो इट इज चाइना। कमिंग टू फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेशनल बी बोर्ड इज एट। लास्ट जो एमसीक्यू सेशन मैंने लिया था वो हनी बीज पर बेस्ड था और वहां पर एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट मैंने हनी बीज पर डिस्कस भी किया था, जो कि था सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और उसका लोकेशन कहा था बच्चों? इट वॉज एट पुणे। यहां पर पूछा गया है नेशनल बी बोर्ड कहां पर है? दिल्ली, जयपुर, जोधपुर या नन ऑफ दी अबव। तो ध्यान रखिएगा दैट नेशनल बी बोर्ड इज एट न्यू दिल्ली। नेशनल बी बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहां पर है बच्चों? तो इट इज एट न्यू दिल्ली। आइए इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या चीजें दी हुई है और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहे ऑप्शंस, एक बार ध्यान से ऑप्शंस देख लीजिए और फिर मैं आ जाती हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को पढ़ देती हूं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ क्रॉप ऑन अ गिवन डे आर 13 एंड 30 डिग्री सेल्सियस।
यानी हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर है उस दिन का जो कि है 13 डिग्री सेल्सियस, साथ ही साथ हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ये तो हमने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट जीडीडी फॉर द डे इफ द बेस टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालने बोला जा रहा है जीडीडी की वैल्यू और हमें दिया हुआ है बेस टेम्परेचर की वैल्यू विच इज 5 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार आप भी अपने लेवल पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज सीखने लायक है कि जो जीडीडी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ग्रोइंग डिग्री डेज। एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछना भी एक कॉमन ट्रेंड रहा है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, ग्रोइंग डिग्री डेज। आपको निकालने भी क्या बोला गया है, जीडीडी की ही वैल्यू। तो भैया क्वेश्चन कैसे बनेगा जब तक कि आपको पता नहीं होगा कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम और बेस टेम्परेचर को यूज करके ग्रोइंग डिग्री डेज की वैल्यू निकालते हैं। आइए मैं आप सभी को फॉर्मूला बताती हूँ। पहले स्क्रीन को जरा क्लियर कर लो और जगह बना लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ध्यान रखिएगा बच्चों दैट ग्रोइंग डिग्री डेज को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है इट इज टी मैक्सिमम प्लस टी मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। जब आप ये निकाल लें तो इस टेम्परेचर को माइनस कर दें बेस टेम्परेचर से। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर है हमारे पास 13 डिग्री सेल्सियस। इसको भाग दे देंगे 2 से और ये जो वैल्यू आएगी पूरी इसे माइनस कर दीजिएगा बेस टेम्परेचर से जो कि दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। और कमेंट करके मैसेज करके मुझे स्टेप बाय स्टेप आंसर भेजेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। आई होप आप सभी के लिए क्वेश्चन काफी नया और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आई होप कि आने वाले किसी भी एग्जाम में इस तरह का एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले और आपको अच्छा लगे कि आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 6 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहां पर है, पुणे, दिल्ली, जयपुर या नन ऑफ दी अबव। तो ध्यान रखिएगा दैट IIPR विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चों नन ऑफ दी अबव बिकॉज ये है कानपुर में। कहां पर है बच्चों, इट इज एट कानपुर। आई होप ये भी क्वेश्चन याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज, बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली, ऑटोगैमी, एंटोमोफिली या नन ऑफ दी अबव। तो भाई मैंने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि कहीं पर भी अगर आपको ऑर्निथो शब्द दिखता है तो ऑर्निथो का मतलब ही होता है बर्ड्स, और इन सारे ऑप्शंस में से एक ही जगह पर ऑर्निथो नजर आ रहा है एंड द आंसर विल आल्सो बी ऑर्निथोफिली। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पर। कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने कॉमन नेम्स ऑफ वीट डिस्कस किया था। अगर आपने उस क्लास को ध्यान से देखा था तो मैंने बताया था दैट फैलरिस का कॉमन नेम जो है इंग्लिश का इट इज कैनरी ग्रास, ये मैंने डिस्कस किया था आप सभी के साथ। आप अगर इसको भैया कैनरी ग्रास बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी ना कह रहे होंगे कि ये ग्रास है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं दैट ग्रासेस बिलोंग टू द फैमिली पोएसी, यानी फैलरिस माइनर का अगर कॉमन नेम कैनरी ग्रास है मतलब डेफिनेटली इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, इट विल बी पोएसी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके लिए इजी रहा होगा। कमिंग टू 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर के क्वेश्चन में व्हाट डू वी हैव टू लर्न, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉर्कोरस कैप्सुलारिस इनमें से किसे बोला जाता है। कॉर्कोरस कैप्सुलारिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पहला है कॉटन, तो कॉटन तो भैया गॉसिपियम होता है। दूसरा है जूट, ऑप्शन नंबर सी में भी गलती से कॉटन ही टाइप हो गया भाई, चलो आप लिख लो राइस, और लास्ट ऑप्शन लिख लो नन ऑफ द अबव। तो कुछ ज्यादा ही इजी हो गया ये क्वेश्चन।
कॉटन तो होने से रहा, राइस का साइंटिफिक नाम तो हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को पता है, इट इज ओराइजा सेटाइवा, देन ऑब्वियसली द आंसर इज जूट. सो कॉर्कोरस कैप्सुलारिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जूट. हालांकि जूट के भी दो टाइप्स हैं, उनमें से किसका टाइप ये मैं आप सभी से सुनना चाहूंगी, किस टाइप को कहते हैं कॉर्कोरस कैप्सुलारिस. 10th नंबर का क्वेश्चन आई होप आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही नया होने वाला है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. डच रूल वॉज प्रपोज्ड बाई, डच रूल किसके द्वारा दिया गया था. तो भाई क्वेश्चन का सर पैर तो पता होना चाहिए कि क्या है डच रूल, डच रूल किस चीज से रिलेटेड है, उसके बाद ही तो बता पाओगे कि किसने दिया था. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, डच रूल बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ वेदर कंडीशंस, ये वेदर कंडीशंस का सेट है जो कि बहुत जरूरी होता है. सेट मतलब ग्रुप है, समूह है, विच इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेट ब्लाइट. लेट ब्लाइट जो कि आलू में लगने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, हालांकि आलू के अलावा भी और कई सारे क्रॉप्स पे अटैक होता है. इस बीमारी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या वेदर कंडीशन जरूरी है, इन वेदर कंडीशंस के सेट को वी कॉल इट एज डच रूल. बेसिकली इसमें चार इंपॉर्टेंट वेदर कंडीशंस हैं जिसको समराइज किया था एक साइंटिस्ट ने हु वाज नोन एज एवरडिंगन. सो डच रूल वाज गिवन बाय एवरडिंगन. डच रूल क्या है, इट इज अ सेट ऑफ वेदर कंडीशंस, और ऐसे वेदर कंडीशंस जो कि किस बीमारी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. सो इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. इसके बाद हम आ जाते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन पर. आइए देखते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है. आई होप कि ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही नया होने वाला है, एंड नोबडी अदर देन दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन में किसी ने भी शायद इस क्वेश्चन को डिस्कस किया होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार, पढ़ते हैं क्वेश्चन को. रूटर स्टोक्स प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट्स द इन्फेक्शन पीरियड ऑफ विच डिजीज. एक्चुअली ये जो आप देख पा रहे हो रूटर स्टोक्स प्रेडिक्टर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस पर्टिकुलर डिजीज के इन्फेक्शन पीरियड को पहले से ही बता सकता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में. पहला ऑप्शन है एप्पल स्कैब, दूसरा ऑप्शन है लेट ब्लाइट, तीसरा ऑप्शन है क्राउन गॉल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को भी मिले. And the answer is going to be apple scab. Apple scab जो कि होता है Venturia नाम के pathogen से. It is caused by Venturia inequalis. Venturia inequalis. So note down कर लें सारे questions को. Plant pathology के लिए बहुत important होने वाले हैं ये सारे questions. Coming to 12th number का question. 12th number के question में है Psyllium is. Option number A is mentha. Option number 2 is crocus. सी इज इसबगोल एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव. तो बच्चों बता दूं मैं आपको कि साइलियम जो है वो बेसिकली इट इज इसबगोल. इसबगोल जिसका साइंटिफिक नेम इज प्लांटागो ओवाटा, और साथ ही साथ इसबगोल की फैमिली भी बताते चलो, इट इज प्लांटा जीनेसी. क्या है फैमिली, प्लांटा जीनेसी. सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर. इसको भी मैं आने वाले ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बोलूंगी जहां पर हॉर्टिकल्चर सेक्शन पूछा जाने वाला है. क्वेश्चन में है निहारिका इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ. निहारिका इनमें से किसकी म्यूटेंट वैरायटी है, मेंथा, इसबगोल, कार्मेशन या नन ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन में सिर्फ एक वैरायटी सीखने को नहीं मिल रहा बल्कि ये भी पता चल रहा है कि ये जो वैरायटी है निहारिका नाम की एक म्यूटेंट वैरायटी, इट्स अ म्यूटेंट वैरायटी. तो कैरेक्टर भी पता चल गया हमें. एंड लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर दैट निहारिका इज अ वैरायटी ऑफ इसबगोल. निहारिका किसकी वैरायटी है बच्चों, इसबगोल की. इसबगोल का साइंटिफिक नाम आपने पढ़ा, फैमिली पढ़ ली, कॉमन नेम भी पढ़ लिया, साइलियम. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं 14th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास. 14th क्वेश्चन आपको बता दूं मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन में था इन जेआरएफ एग्रोनॉमी 2021. पेपर्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके. मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन को में क्वेश्चन दिया था जिसको मैंने सेपरेट आउट करके यहां पर ले लिया है.
क्वेश्चन है L4147 किसकी वैरायटी है? लेंटिल की है, चिकपी की है, पिजन पी की है, या फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, नोटा, नॉन ऑफ द अबव। तो बच्चों L4147 इट इज अ वैरायटी ऑफ लेंटिल, लेंटिल यानी कि मसूर। कमिंग टू 15 नंबर का क्वेश्चन, जी हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख रहे होंगे आप ये जेआरएफ इकोनॉमी 2021 का क्वेश्चन भी रह चुका है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ज़ेरोफाइटिक वीट। ज़ेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इसमें पूछा जा रहा है एक ज़ेरोफाइटिक वीड का नाम, प्लूचिया, टाइफा, फैलोरिस या साइपरस। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लूचिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन में है व्हाइट रस्ट इज अ डेडली डिजीज ऑफ, बड़ी खतरनाक बीमारी व्हाइट रस्ट किसकी है, इनमें से किस क्रॉप की, इज इट मस्टर्ड, इज इट वीट, कैस्टर या फिर ग्राम। तो बच्चों ध्यान रखिएगा दैट व्हाइट रस्ट इज अ डेडली डिजीज ऑफ मस्टर्ड। एक्चुअली व्हाइट रस्ट जो है इट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर्स यानी क्रूसीफेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है व्हाइट रस्ट, और ऑब्वियसली बात है दैट मस्टर्ड की भी फैमिली इज क्रूसीफेरी, और व्हाइट रस्ट बेसिकली एक फंगस से होता है जिसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा, इट इज एल्ब्यूगो कैंडिडा। एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या है बच्चों, सो इट इज बेसिकली अ फंगस जिससे कि व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट आते हैं 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं, पॉइजनस एल्कलॉइड इन कैस्टर सीड्स, बताइए कि कैस्टर के सीड में इनमें से कौन सा पॉइजनस एल्कलॉइड पाया जाता है, पीसाटिन, रिक्सीन, सपोनिन या ओक्सालेट। तो बच्चों कैस्टर का साइंटिफिक नेम होता है रिक्सीनस, रिक्सीनस कम्युनिस। तो भाई जिन्हें साइंटिफिक नाम पता है उन्हें उस पॉइजनस केमिकल का भी नाम क्लियर हो गया होगा, डेफिनेटली आंसर क्या होने वाला है, रिक्सीनस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं 18 क्वेश्चन पर क्या है। बोटानिकल नेम ऑफ स्पीयरमिंट इज, स्पीयरमिंट का क्या साइंटिफिक नाम है, मिंट के अलग अलग कैटेगरीज हैं, ऑरेंज मिंट, जापानीज मिंट, गार्डन मिंट, जिसमें से स्पीयरमिंट का साइंटिफिक नाम पूछा है, मेंथा स्पाइकाटा, मेंथा पिपेरेटा। बच्चों बता दूं आपको कि मेंथा पिपेरेटा इज बेसिकली पेपरमिंट, ये क्या है पेपरमिंट। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, डायरेक्टली आंसर बता दूं मैं, स्पीयरमिंट का साइंटिफिक नेम इज मेंथा स्पाइकाटा, क्या है बच्चों मेंथा स्पाइकाटा। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा रहा होगा आप में से वो सारे बच्चे जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के एस्पायरेंट्स हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको आज नहीं तो कल किसी ना किसी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फाइट करता है, आप सभी बच्चों के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट शुगर केन की फैमिली पूछी जा रही है, पोएसी, मालवेसी, पाइपेरेसी या नन ऑफ द अबव। विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली शुगर केन की फैमिली क्या है बच्चों, इट्स पोएसी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया फैमिली ऑफ पार्थेनियम, पार्थेनियम विच इज अ वीड, उसकी फैमिली पूछी जा रही है, पोएसी, मालवेसी, पाइपेरेसी और एस्टीरेसी। तो बच्चों पार्थेनियम की फैमिली इज एस्टीरेसी, नॉट जस्ट पार्थेनियम बट हमारे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनकी फैमिली एस्टीरेसी या कंपोजिटी है, जैसे कि सनफ्लावर, सैफ्लावर, मेरीगोल्ड, इन सबकी फैमिली क्या है एस्टीरेसी या फिर कंपोजिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने अभी क्लास में भी मेंशन किया होगा कि मैंने वीट के कॉमन नेम्स आपके साथ डिस्कस किए थे, हालांकि उसका पार्ट टू भी लेकर के आऊंगी मैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि क्वाक ग्रास किसको बोलते हैं, किस पर्टिकुलर वीट का कॉमन नेम क्वाक ग्रास है, फैलोरिस, साइनोडॉन, एग्रोपायरॉन या नॉन ऑफ दी अबव। तो बच्चों ध्यान रखिएगा दैट एग्रोपायरॉन इज कॉमनली नोन एज व्हाट, सो इट इज नोन एज क्वाक ग्रास। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या है। ट्राइडैक्स प्रोकम्बेंस फैमिली इज, ट्राइडैक्स प्रोकम्बेंस इज अनदर वीड, ये भी एक इंपॉर्टेंट वीड है। आप सभी मुझे जरूर बताइए कि ट्राइडैक्स प्रोकम्बेंस का कॉमन नेम क्या है,
इसको जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइडैक्स प्रोकम्बंस की फैमिली पूछी गई, ओएसी एस्टेरेसी मालवेसी नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं पार्थेनियम की फैमिली वाज एस्टेरेसी, ट्राइडैक्स की भी फैमिली क्या है बच्चों, इट इज एस्टेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, दिए गए ऑप्शंस में से किन में सेल वॉल एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट, फंगस में भी प्रेजेंट होता है, माइकोप्लाज्मा, जी हाँ माइकोप्लाज्मा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज सेल वॉल लेस, यानी इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सो आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन में अगेन पैथोलॉजी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में है टर्म नेक्रोसिस इंडिकेट्स, नेक्रोसिस का मतलब क्या है, कर्लिंग, डेथ ऑफ द सेल, ब्लाइटिंग, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर टू। लास्ट हमारे पास आइए देखते हैं 25th नंबर का क्वेश्चन क्या है। सो 25th नंबर के क्वेश्चन में है MSF belongs to the order. MSF, here it stands for mustard saw fly. क्या मतलब है बच्चों, इट इज मस्टर्ड सॉ फ्लाई, मस्टर्ड सॉ फ्लाई। और मस्टर्ड सॉ फ्लाई का ऑर्डर है बच्चों हाइमेनोप्टेरा। मस्टर्ड सॉ फ्लाई का ऑर्डर क्या है, इट इज हाइमेनोप्टेरा। आई होप आप सभी के लिए 25 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आऊंगी, वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन खूब मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू सो मच।